वाहिगुरु जी संत शरण जो जन पर है, सो जन उदरण हार। संत किरिंदा नानका बहर बहर अवतार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दो कृपा कर सिख पर करी गुर शरणाई राई आत्मवान की कह पुन पुन दर्शाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु सवारी गुरु खालसा सतसंग जीओ। आप समूह संगतां गुरु के प्यारे वड्डे भागां वाले हो कि चलो असी संगती रूप विच रब दा जस गुरमत विचारां जिमें जिमें पातशाह साढ़े तो करवा रहे हैं या सुना रहे हैं, ये उन्हां दी बख्शिश है। आओ विचार माला एक ग्रंथ कवि अनास जी का लिखा हुआ जिहदा अठवां विश्राम चल रहा है ते सत बंद ये सरवण कर ले हैं। आओ अठवां बंद सरवण करिए जी। कृपा करत सिख पर करी गुर सरनाई राय। गुरु अपने सिख उते बहुत कृपा करता है। कृपा करके देखो गुरु की कृपा ही होंगी है ना। गुरु जोड़द सरनाई राय, राय कहते राजा जो परमात्मा राजा स्वरूप है उसकी शरण में गुरु ही पाँदा है। एवं सिख क्यों पै जाएगा, परमात्मा तो अदृश्य है अगोचर है निरंकार है। तो गुरु पातशाह का नाम गुरु महाराज की संगत गुरु पातशाह का जस उन्होंने बख्शिश ही सानू रब नाल जोड़दी है। इस करके कृपा करत सिख पर कनी गुरु सिख उत्ते बड़ी कृपा करता है। गुर सरनाई राय जो परमात्मा राजा स्वरूप है उस राजे की शरण सानू पाते हैं। स्थित आत्मवान की कह पुन पुन दर्शाए। तो फिर गुरु पातशाह सिख नू दसते भी हैं कि यह सिख गुरु के प्यारे आ आत्मवान की आत्म ज्ञान की जिहड़ी अवस्था है परमात्मा च टिके रहना। गुरु बार बार पुन पुन फिर दर्शाते हैं दिखाते हैं बार बार आके बेट भी गुरसिखा ज्ञानवान की जी आत्मा में कह लो विलीनता है समा जाना है कि ज्ञानवान किवें परमात्मा के भी समाता है। उन्होंने ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का जोड़ा अज्ञान का भरम खत्म करके नाल ही गुरु पातशाह उन्होंने ज्ञान रूप परमात्मा वह भी ज्ञान रूप है उस विच गुरु पातशाह आप उन्होंने विलीन करते हैं। दोहरा जैसे पुजे अन्न में उद्भवता पई सीना। जदों कोई परमात्मा दे विच लीन हो गया उहदी कैसी अवस्था हुंदी है, उहदा जन्म मरण नहीं हुंदा, वो फिर अंकुर उहदा प्रणा कोई भी कर्म अंकुर नहीं होवेगा। किवें जी, जिवें कोई पुजिया दाणा है कणक दा दाणा उहनूं पुज लो, चौलां दाणे उहनूं पुजा लो, मक्की दे दाणे मक्की दाणा जिहड़ा वजन नहीं पुजिया अग ते नहीं चढ़िया उहनूं तुसीं दुबारा उगा सकदे हो। उहनूं तुसीं अजकल दाणे पुजदे ने मक्की दे लोहड़ी दे नेड़े जां पॉपकॉर्न उह तुसीं उहनूं उगा के देखो उगेगा ही नहीं। जैसे पुजे अन्न मैं उद्भवता पई छीन, उद्भवता कहते उद्यम उत्पत्त होने की अंकुर होने की जिहड़ी कह लो उसकी समर्था है वह खत्म हो जाती है। ऐसे आत्मवान की भई जगत मत लीन। इस तरह जिहड़ा आत्मवान मनुख है उसकी जगत रूपी मत खत्म हो जाती है। इस संसार वाली मत संस्या वाली मत खत्म होगी ना, यही जन्म मंगण का कारण है ना। दुनिया में संस्या वाली मत ही जन्म मरण का कारण है। आत्म ज्ञान की जिहड़ी मत है वह खत्म हो जाती है गुरु के ज्ञान में भुजी जाती है। आप गुरु के ज्ञान की अग्नि विच संसार वाली मत सड़ जाती है। अना
नाथ सो ज्ञानी कोट को निश्चय निज मत एक। कवि नाथ जी कहंदे सो ज्ञानी ज्ञानवान बंदे कोट करोड़ा हो निश्चय निज मत एक ते निश्चय करके जानो सब दा मत एको ही हुंदा है। सौ बंदे बैठे हो ज्ञानवान सब दा मत एको ही होगा ना एको रब नाल रब एको ही है ना ज्ञानवान जुड़े एक रब नाल परमात्मा नाल सब दा मत एक रब गल होगा वो सारे ही ज्ञानवान गुरु के प्यारे एक रब दा सिद्धांत ही दर्शाते हैं। एक अज्ञानी के ही है वर्तत मथे अनेक। जेड़ा अज्ञानी बंदा है वो इको अज्ञानी कला बैठा वो हिरदे कई मते कई आए कई खाए कई आओ फिर आया फिर चला गया ये करा वो करा वो कई ख्याल बदलता रहता है। दोहरा सेवा बहुत प्रकार कोना अंग त्रास करे कोए। एक खालसा जी एक बंदा जेड़ा श्रद्धावान है श्रद्धावान मनुख ज्ञानवान कोई भजनिक साधु हो गए उसकी सेवा करता कई तरह ना सेवा बहु प्रकार ना करता पुन फिर अंग त्रास करे कोई दूजा पासे जिहड़ा नास्तक मनमुख बंदा है अज्ञानी है उसकी कह लो कोई सेवा भी नहीं करता उन डर रहा है दूजे पासे नास्तक मनुख आदमी है उस साधु के शरीर के दूजे अंगा डराउंदा है एक तो उन्हें लंगर छका रहा सेवा कर रहा दूजा साधु डरा रहा धमका रहा वो नास्तक है उन्हें समझ नहीं भी साधु है एक जरा श्रद्धावान है सेवा कर रहा यह तो अपनी अपनी वेखनी है गुरमुख की वेखनी सारे रब न वेखना होंगे तो मनमुखा ने सारे कुछ होर वेखना होंगे इस करके मन साधु महापुरुखों के जो अंग हैं उन्होंने डराउंदा है धमकाउंदा है पीड़ता है दुख देता है। ज्ञानी आपन पौल है कृपतन कुपत न होए। पर जिहड़ा ज्ञानवान मनुख है वह अपने आप ही रहिंदा जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह उन्होंने चंदू ने जां होर कईआं ने बहुत सारे तसीह देने की कोशिश करते रहे बाहर अपने आनंद ही बैठे रहे बाहरों साड़ते रहे बाहरों तपाते रहे पर महाराज तपे नहीं अपना की गुस्सा नहीं आया देखो वर्ण नहीं किया बचन कर सकते सन कुछ नहीं गया। ज्ञानी आपन पोल है ज्ञानी जो भजन बंदगी वाला गुरु का प्यारा है वो अपने स्वरूप ही लीन रहता है पर जड़ा उन्होंने बस लंगर छकाई जाओ तब भी उन्हें वर्ण बचन नहीं करना उन्हें साड़ी जाओ उन्हें श्राप नहीं देना भावें कोई गुट रहा है और कहना भला भाई पता भी उन्होंने कर्मा की सेवा हो रही है इन्हों कोई साड़ रहा है पता भी कर्मा का लेखा जोखा कोई बारों बार ही चली जाता है इस करके दुख देने वाले तो गुस्सा नहीं होता सेवा करने वाले उत्ते वह प्रसन्नता नहीं रखता ऐसी अवस्था है उस ज्ञानवान की। दोहरा देखिया आनंद संसार है भजना आनंद हरदास। कवि जी बयान करते बिखिया आनंद बिखे का आनंद विषय विकार आनंद लेना यह संसार है बस संसार ही की संस्या का घर जिथे विषय विकार आनंद मिलता हो माया रूप है भटकड़ा रूप है भटकड़ा विच विषय विकार आनंद आता है यह संसार है भजना आनंद भजन का आनंद कौन लैंदा है रब के प्यारे संसारी बंदे की लै वो लेंदे विषय विकार स्वाद लेंदे हर रब के प्यारे गुरमुख जन वो लेंदे हैं रब के भजन में आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मानंद जीवन मुगत भई वासना नास। तो जिथे ब्रह्मानंद आ गया उते जीवन मुगत की अवस्था है उते वासना खत्म हो जाती है तो वासना ही रहती है वासना कोई अंदर विकार पैदा होने उते तो बस उसे दुनियावी स्वाद भी खत्म सब कुछ खत्म केवल ब्रह्म का ही आनंद रहता है। दोहरा शांत रूप तिन को जगत जे और शांत महंत। देखो जेडे हिरदे करके शांत हैं महंत बहुत ज़्यादा महंत तो वड्डा होंदा ना वड्डा कहते बहुत ज़्यादा शांत रूप तिन को जगत उन्हां लई जगत विच शांति है
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੰਡ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਆਦੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਇਹ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੜਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਠੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇ ਸਦਕਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੜੇ ਬਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੀ ਅਨਾਥ ਜੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਕਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।